बिहार में महागठबंधन सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार आज होगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का मंत्री बनना लगभग तय है। वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नाम नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल होने वाले विधायकों की लिस्ट से कट गया है। उपेंद्र कुशवाहा मंत्री नहीं बनेंगे, वो पटना से दिल्ली पहुंच गए। भले ही सात दलों वाले महागठबंधन की सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, मगर इसमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का दबदबा रहने वाला है। विधानसभा में आरजेडी विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए पार्टी से सर्वाधिक 17 मंत्री बनेंगे। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अब उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का भी मंत्रिमंडल में आना लगभग तय हो गया है। शपथ ग्रहण समारोह से कुछ देर पहले स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी। तेज प्रताप पूर्ववर्ती महागठबंधन सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, तब उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी। इस बार भी उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा सकता है। आरजेडी के पास सबसे ज्यादा विभाग होंगे, साथ ही विधानसभा स्पीकर का पद भी पार्टी को ही मिलना है। अवध बिहारी चौधरी स्पीकर हो सकते हैं। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि पार्टी में कुशवाहा जाति के नेताओं ने उपेंद्र के मंत्री बनाए जाने पर नाराजगी जताई है। इसके बाद उनका नाम लिस्ट से काट दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इससे नाराज होकर उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंच गए। वो मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। हालांकि मीडिया में दिए बयान में उन्होंने कहा कि वो किसी भी बात को लेकर नाराज नहीं है, उन्हें पार्टी में जो जिम्मेदारी मिली हुई है उससे खुश हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि नई सरकार के गठन या फिर लालू यादव और नीतीश कुमार को करीब लाने में उपेंद्र कुशवाहा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 24 घंटे पहले तक यह तय माना जा रहा था कि नई सरकार में जेडीयू कोटे से उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनेंगे। अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा। सभी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह के बीच कभी नहीं बनी। इसके बाद भी यदि उपेंद्र कुशवाहा नई सरकार में मंत्री नहीं बन रहे हैं तो यह सोचने वाली बात होगी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार 12 अगस्त की रात को राजधानी पटना के मौर्य होटल में कुशवाहा नेताओं की एक बैठक हुई। बताया गया कि इस बैठक में जेडीयू में शामिल कई कुशवाहा नेता भी मौजूद थे। ये भी बताया गया कि इस बैठक में जेडीयू के प्रदेश कमेटी के बड़े नेता भी शामिल हुए थे। इस बैठक में तय किया गया कि कुशवाहा समाज से जिन्हें भी मंत्री बनना हो नीतीश कुमार बना सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा मंत्री नहीं बनेंगे। अब सवाल उठता है कि नेताओं की उपेंद्र कुशवाहा से इतनी नाराजगी क्यों है। इस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री नहीं बनाए जाने के निर्णय की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी दे दी गई है। मतलब साफ है कि महागठबंधन की नई सरकार में उपेंद्र कुशवाहा मंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन राजनीति में कोई भी भविष्यवाणी करना गलत होता है और अंतिम समय में कुछ भी हो सकता है। अब तो ये आज फाइनल हो ही जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनेंगे या नहीं। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार की सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार होना है। कुल 31 नए मंत्री बनने वाले हैं, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की आरजेडी ने 15 पद लेकर बाजी मार ली है। लेकिन नीतीश और तेजस्वी यादव के लिए अपनी सरकार का यह गठन चुनौतियों के कांटों भरे ताज से कुछ कम नहीं कहा जा सकता है। हालांकि दोनों की जोड़ी ने अपने इस विस्तार में हर तरह का समीकरण साधने की कोशिश की है, लेकिन राजनीति में सबको खुश रख पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।